We have completed over 35,000 plus successful IVF cases. It is the largest IVF chain, having 50 centers pan India. It has one of the most experienced team of 125 plus IVF specialists and 125 plus IVF embryologists. We are having 2,000 plus staff members. Indira IVF has over 75% IVF success rate. It has latest technology and best equipment labs. With over 40 years of experience, we are dedicated to provide our patients the best medical treatments and care to fulfill their dreams of parenthood. गुड इवनिंग, नमस्कार। फेसबुक लाइव के इस फर्टिलिटी टॉक शो में आप सबका स्वागत है। बांझपन किसी भी कपल के जीवन का सबसे असहनीय दौर होता है। गर्भधारण नहीं होने पर कपल मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान रहता है। ऐसे में वे क्या करें, कौन सा इलाज अपनाएं, इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं। अगर आंकड़ों पर एक नजर डालें तो भारत में हर 6 में से एक दंपति निसंतान है और उसमें ज्यादातर की उम्र भी कम है। ऐसे निसंतान कपल्स को इसके इलाज की लेटेस्ट टेक्निक्स के बारे में जानकारी देने और उन्हें अवेयर करने के लिए इंदिरा आईवीएफ ने पहल कर शुरू किया है फर्टिलिटी टॉक शो। इंदिरा आईवीएफ देश की सबसे बड़ी फर्टिलिटी चेन है और यहाँ की सक्सेस रेट 70% से भी अधिक है। मात्र 8 साल में 37,000 से ज्यादा कपल्स के घर आज खुशियां खिलखिला रही हैं, तो इंदिरा आईवीएफ की वजह से। आज के इस फर्टिलिटी टॉक शो में हमारे साथ बात करने के लिए हैं इंदिरा आईवीएफ नागपुर की आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर मयूरी असुदानी और डॉक्टर अंशुल भिवापुरकर। फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में दोनों अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। इस टॉक शो में फर्टिलिटी एक्सपर्ट से जानेंगे कि क्या होता है इनफर्टिलिटी, क्या रीजंस हैं इसके और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस आज अवेलेबल है। डॉक्टर मयूरी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता होती क्या है और इनफर्टाइल कपल को अपनी समस्या के बारे में डॉक्टर से कब कंसल्ट करना चाहिए। देखिए, इनफर्टिलिटी जिसे हम हिंदी में कहते हैं निसंतानता, यह एक ऐसी प्रॉब्लम है जब इंसान कोई भी शादी करता है और संबंध रखता है तो हम इमीडिएटली हम ये नहीं सोच सकते हैं कि उसे बच्चा हो जाए, या वो कपल एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि अगर वो लगातार एक साल तक प्रयत्न करता है कि संतान प्राप्ति होए और कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन या निरोध कोई भी यूज नहीं कर वो संबंध रखता है एक साल तक और उसके बाद में भी उसे सफलता नहीं मिलती है, तो उस ऐसे कपल को हम इनफर्टाइल कपल मतलब निसंतान दंपत्ति कहा जाता है। अब अगर एक साल या सवा साल हो गया है ट्राई करने के बावजूद, संबंध रखने के बावजूद उसे संतान प्राप्ति बहुत आवश्यक है कि वो एक IVF या इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाकर अपनी पूरी जांचें करवाएं और पूरी जांचों का कारण पता चले, क्योंकि अगर एक साल में संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो डेफिनेटली यह देखा जाता है कि कोई ना कोई दिक्कत होने की वजह से संतान नहीं हो पा रही। डॉक्टर, आपसे बात को कंटिन्यू करेंगे। अभी व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगी कि आप निसंतानता संबंधी किसी भी समस्या से परेशान हैं तो हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। डॉक्टर अंशुल, जो कपल कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उन्हें कौन से चेकअप करवाने चाहिए? बहुत जरूरी आवश्यक पूछना है क्या चेकअप करवानी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जनरली ये देखा गया है कि 40% केसेस में सिर्फ महिला के कमियां रहती हैं जिस वजह से निसंतानता होती है, 30% केसेस में पुरुष जिम्मेदार रहते हैं,
20% केसेस में महिला और पुरुष दोनों जिम्मेदार रहते हैं एंड 10 to 20% केसेस में अनएक्सप्लेन यानी कि कोई भी कारण नहीं होता और निसंतानता होती है। इसलिए जो भी चेकअप करने हैं उनका ओरिएंटेशन उनका टारगेट इस तरफ होना चाहिए कि हम निसंतानता का कारण पता कर सकें। तो इसमें प्रमुख जांचें जो हैं पुरुषों की जांच में सीमन एनालिसिस यानी कि वीर्य की जांच जिसमें काउंट मोटिलिटी वाइटलिटी एंड मॉर्फोलॉजी यानी कि शुक्राणुओं की संख्या उनकी गतिशीलता गुणवत्ता और उनकी महिला की अगर बात करें तो सबसे पहले उनके ओवरी यानी कि अंडाशय में अंडे किस तरीके से बन रहे हैं अगर बन रहे हैं तो उनकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं। तीसरा वो रक्चर होके प्रॉपर फैलोपियन ट्यूब में आ रहे हैं कि नहीं। कभी कभी किसी महिला के अंडाशय में पानी भर जाता है एंडोमेट्रियोसिस या पीसीओडी नाम की बीमारी रहती है कई गांठे बन जाती हैं सिस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है तो इन एग की ग्रोथ में इनकी काउंट में निसंतानता होती है। दूसरा मेन रीजन हो सकता है फैलोपियन ट्यूब की प्रॉब्लम। इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी कॉमन है जिस वजह से कई बार ट्यूबल ब्लॉक हो जाता है इस वजह से अंडे और शुक्राणु का मिलन यानी कि फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। कभी कभी इन ट्यूब्स में इंफेक्शन जैसे कि हाइड्रोसल्फिंग्स या गंदे पानी का भर जाना ऐसी कुछ प्रॉब्लम रहती है। इन सब वजह से अगर ट्यूब बराबर रूप से काम नहीं कर रहे। तीसरा मेन रीजन है यूट्रस यानी कि बच्चेदा औरत का गर्भाशय कैसा है उसका आकार कैसा है साइज कैसा है कई बार कुछ कंजेनिटल एनोमलीज रहती है नहीं रहता या जो गर्भाशय की परत है दैट इज एंडोमेट्रियम ये अच्छी नहीं रहती या फाइब्रॉइड्स यानी कि रसौली नाम की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेन यही मुख्य जांचें हैं जो औरत को करवानी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे चेकअप से गुजरने की जरूरत नहीं अगर ये जांचें अगर इनका पता लग सकता है और सही इलाज संभव हो। जी डॉक्टर आपसे बात को कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारे पास काफी व्यूअर्स हैं जो लाइव जुड़ गए हैं उनमें से लीला अंबर शर्मा जी ने एक सवाल पूछा है। डॉक्टर मयूरी वो ये जानना चाहते हैं कि आईवीएफ में टोटल खर्चा कितना आता है। देखिए पहले के जमाने में आईवीएफ की जो प्रक्रिया रहती थी ये सिर्फ वही लोग अफोर्ड कर पाते थे जो एक रिच क्लास में बिलोंग करते थे या जिनके पास खूब सारा पैसा रहता था। गरीब इंसान या मध्यम वर्ग इंसान काफी बार ये चीज नहीं सोच पाता था। यह पॉसिबल क्यों नहीं हो पाता था क्योंकि आईवीएफ टेक्निक एक तो बहुत महंगी पाई जाती थी उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो टीकास यूज होते हैं जो डॉक्टर्स रहते थे काफी बार इन चीजों की पढ़ाई भी बहुत आसानी से नहीं हो पाती थी। लेकिन आजकल यह चीज संभव हो गई है क्योंकि जो फॉरेन में टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल प्राइसेस पर दे सकते हैं। पहले के जमाने में ये खर्चा करीबन करीबन 2 से 3 लाख तक का जाता था लेकिन आजकल जो आईवीएफ की प्रक्रिया है इसको कम कर सीधा सिर्फ एक आईवीएफ फीस जो 25,000 रुपए की रहेगी और करीबन 70,000 से 80,000 तक के इंजेक्शन का खर्चा मतलब इन टोटल अगर हम मानेंगे तो 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में उसका आईवीएफ आराम से हो सकता है। यह चीज हमने इसलिए सोची ताकि घर घर में लोग निसंतानता से जो जूझ रहे थे पहले के जमाने में और जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे इसलिए ये प्रक्रिया को अफोर्डेबल बढ़ाया गया क्योंकि आजकल देखिए हर किसी की लेट मैरिजेस हो रही है। हर कोई सोचता है पहले मैं अपना करियर बना लूं या फिर किसी कारणवश उसकी लेट शादी हो जाती है तो उस वजह से क्या होता है उम्र बढ़ने लग रही है पढ़ाइयां भी लेट आजकल खत्म होती है तो उम्र बढ़ने की वजह से लेट शादी होने के वन नहीं कर सकता है। तो जब चीजें लेट हो रही हैं तो काफी लोगों को यह चीज का प्रॉब्लम दिख रहा है कि अंडों की क्षमता कम हो रही है जैसे डॉक्टर अंशुल ने आपको भी बताया कि अंडों की क्षमता कम हो रही है शुक्राणु कम हो पा रहे हैं स्ट्रेस इतना बढ़ गया है तो अब यह चीजों को ध्यान में रखकर आईवीएफ का जो खर्चा है वो करीबन इतना कम कर दिया है कि एक नॉर्मल इंसान एक मध्यम वर्ग का इंसान भी इसे अफोर्ड कर सकता है और ये प्रक्रिया इजी हो गई है सेफ है
एंड ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि कोई भी इंसान लाख सवा लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर पाता है आजकल, ये तो चीज नहीं देखी जाती। बस हमारा यही है, जो भी इंसान को आईवीएफ की जरूरत पड़े वो आराम से ले सके। बिल्कुल मैम, मुझे लगता है कि लीला अंबर जी को अपने क्वेश्चन का आपने काफ़ी डिटेल में और समझाकर जवाब दिया है। डॉक्टर अंशुल, एक और सवाल आया है हमारे एक दर्शक का, उनका नाम है मुकेश सिहाग। उनका यह सवाल है कि उनकी वाइफ को थायराइड की बीमारी है, तो वो ये जानना चाह रहे हैं मैम कि थायराइड की बीमारी और इनफर्टिलिटी का आपस में क्या रिलेशन है। शरीर में अगर उसका है जो एक ग्रंथि, ये हार्मोन्स हमारे जो फर्टिलिटी हार्मोन्स है जो एक प्रभाव डालती है, हमारे अंडाशय से जो हार्मोन्स है, अंडाशय में जो अंडे बनते हैं उनकी ग्रोथ पे भी एक हद तक प्रभाव डालती है। इस वजह से कई बार अंडे पूर्ण रूप से बनते नहीं, बनते हैं तो उनका ग्रोथ अच्छे से नहीं होता, उनकी परिपक्वता नहीं होती। तीसरी चीज, कई बार अगर अंडे और शुक्राणु का बन भी जाता है तो उसे इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आती है। इम्प्लांटेशन का मतलब है भ्रूण का परिपक्व होके एंडोमेट्रियम यानी कि गर्भाशय की परत से चिपकना। ये इम्प्लांटेशन फेलियर पाए गए हैं, जैसे कि अगर स्टडीज की मैं बात करूं तो ऐसे आंकड़े पाए गए हैं कि अगर हॉर्मोनल इम्बेलेंस है, थायराइड अगर संतुलन में नहीं है तो कई बार इम्प्लांटेशन फेलियर्स रहते हैं। इसीलिए कोई भी पद्धति अपनाने से पहले, चाहे मैं नॉर्मल फर्टिलिटी की बात करूं या फिर टेस्ट बेबी की, थायराइड को एक बैलेंस में लाना जरूरी रहता है। जी, मुझे लगता है मुकेश जी आपको अपने सवाल का एक बहुत ही डिटेल जवाब मैम ने दे दिया है। आगे बढ़ते हुए डॉक्टर मयूरी, निसंतान जोड़ों के लिए आईवीएफ उपचार के बारे में काफी सुनने में आता है, क्या होता है ये और किन प्रॉब्लम्स में इससे फायदा हो सकता है? देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि आईवीएफ होता क्या है। पहले हम तो आईवीएफ समझने के पहले हम ये समझेंगे कि नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है। देखिए, संबंध रखने समय जब वीरों में से शुक्राणु निकलते हैं तब शुक्राणु अपनी गतिशीलता के साथ बच्चेदानी को क्रॉस करके ट्यूब में चले जाते हैं। अंडकोश के अंडा फूटता है महिला के शरीर से और वो ट्यूब में जाके, जिसे हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, ये फेलोपियन ट्यूब में जाके रुक जाते हैं। अब फेलोपियन ट्यूब का काम क्या रहता है? अंडा और शुक्राणु दोनों को मिलाने का, मतलब फर्टिलाइजेशन करने का। यह दोनों को मिला के गर्भ तैयार करके, एक भ्रूण अच्छा तैयार करके, यही भ्रूण उसकी गर्भाशय में जाके चिपका देता है। अब मैं ये अगर ये चीज बोलूं कि इन सब जरूरी है, बच्चेदानी स्वस्थ होनी चाहिए, ट्यूब अच्छे होनी चाहिए, अंडकोश का अंडा अच्छा होना चाहिए, अगर ये स्टेप्स में कहीं पर भी दिक्कत आती है तो डेफिनेटली उसे आईवीएफ या इसी पद्धति के द्वारा उसे आगे बढ़ना पड़ता है। अब आईवीएफ क्या होता है? आईवीएफ की जो प्रक्रिया है, 1978 में लुईस ब्राउन जब पैदा पर आईवीएफ निकला गया था। आईवीएफ क्यों निकला गया था? क्योंकि जिस महिला पे किया गया था उसका पाया गया था कि उसकी ट्यूब में ब्लॉकेज है, मतलब ट्यूब बंद है, तो अंडकोश का अंडा भी निकल के ट्यूब में आ रहा था, शुक्राणु भी निकल के ट्यूब में आ रहा था, क्योंकि वो रास्ता ब्लॉकेज था इसलिए दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा था। तो डॉक्टर पीसी स्ट्रेप्टर, डॉक्टर आजय एडवर्ड्स ऐसे दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने देखा कि ठीक है, जो काम अंदर नहीं हो पा रहा है वो, तो जो अंदर नहीं हो पा रहा है उसे हम बाहर करते हैं। तो उन्होंने अंडकोश का अंडा बाहर निकाला, शुक्राणु को बाहर लिया, दोनों को मिलाया, मतलब फर्टिलाइजेशन तैयार करवाया, एक भ्रूण तैयार किया और भ्रूण गर्भाशय में डाल दिया। तो जो काम ट्यूब करती है उसे हमने बाहर कर दिया, इसीलिए इसका नाम है टेस्ट ट्यूब। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स के वजह से सिर्फ यह एक कारण नहीं है कि ट्यूब ब्लॉकेज है इसीलिए हम आईवीएफ करते हैं, नहीं, आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई है जिसकी वजह से हमें टेस्ट ट्यूब बेबी का संतान प्राप्ति करनी पड़ती है।
फीमेल्स और मेल्स में अलग अलग बीमारियां रहती हैं। मेल्स में अगर शुक्राणु कम है, शुक्राणु डिफेक्टिव है, शुक्राणु मिलते ही नहीं है, मतलब मोटिलिटी अच्छी नहीं है, मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है, या फिर एजोस्पर्मिक मेल है, मतलब मिल शुक्राणु है, ऐसे शुक्राणु ऐसे दंपतियों को आईवीएफ की। फीमेल्स में क्या दिक्कत होती है, फीमेल्स में रहता है ट्यूबल ब्लॉकेज जो सबसे कॉमन पाया जाता है। दूसरा चीज है अगर टीबी हो जाती है तो भी उसके वजह से ट्यूबल ब्लॉकेज होता है। तीसरी चीज है एडिनोमायोसिस, एडिनोमायोसिस में गर्भाशय में सूजन आ जाती है, या फिर पीसीओडी। पीसीओडी में क्या होता है कि जो महावारी है उसकी वो 30-35 दिन, नॉर्मल महावारी 28 दिन की रहती है, लेकिन वो 30-35 दिन की अगर महावारी आ जाती है तो ऐसे केसेस में हमें आईवीएफ करना पड़ता है। और उसके अलावा है मीनोपॉजल, मतलब उम्र के पहले या फिर 45-50 ईयर्स में उसकी महावारी खत्म हो गई हो आना, या फिर 3 से 4 बार आईयूआई कराने पर भी उसे सफलता नहीं मिलना, एग की क्वालिटी अच्छी नहीं, वह कारण है जिसके वजह से आईवीएफ या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी का सपोर्ट लेके हमें आगे बढ़ना पड़ता है। मैम, अभी जैसे आपने जो रीजंस बताए, अभी हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं उनमें से एक इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। बालाजी इंगले करके हमारे साथ एक व्यूअर है जिन्होंने मैम ये शेयर किया है कि मेल इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स में जो आपने बताया उनका स्पर्म काउंट निल है एंड ही हैज कंप्लीटेड 4 ईयर्स ऑफ मैरिज। वो ये पूछना चाह रहे हैं मैम कि इस केस में जहाँ उनका स्पर्म काउंट निल है, ऐसे में आईवीएफ उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस रखता है? देखिए, स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि हम क्या प्रक्रिया उस दंपति को देना चाहेंगे। अगर फर्टिलिटी अगर उम्र कम है मान लीजिए, और महिला का अंडकोश का अंडास्त है, और अगर पुरुष के शुक्राणु बहुत अच्छे बनते हैं तो हम नेचुरली भी ट्राई कर सकते हैं 1-2 महीना, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स या कुछ अच्छी दवाइयां देके हम नेचुरली ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर शुक्राणु की मात्रा कम पाई जाती है, मतलब लेस देन 50% पाई जाती है, मान लीजिए अगर किसी की शुक्राणु की मात्रा 10 से 15 मिलियन काउंट है और करीबन करीबन 10-15% मोर्टिलिटी है, तो ऐसे पुरुषों में हम डेफिनेटली आईयूआई मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर हम ये प्रक्रिया करना पसंद करेंगे। अच्छा, अंडा जैसे फूटता है वैसे ही एक छोटे से पाइप में उसके शुक्राणु भर के अंदर डाल देते हैं। आईयूआई लेकिन एक उम्र के साथ ही सफलता दे सकता है, क्योंकि आईयूआई इतनी परसेंटेज में सफलता नहीं दे पाता है। और अगर शुक्राणु की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम होती है, मान लीजिए अगर 5 से 10 मिलियन काउंट ही है उसका, तो ऐसे केसेस में हम आईवीएफ या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया करते हैं ऐसे लोगों में। लेकिन ये जब देखा गया है, जैसे विदर्भ एरिया में बहुत कॉमन रहता है ये चीज देखना कि शुक्राणु की मात्रा काफी कम रहती है, क्योंकि जहां जहां लोग काफी ज्यादा इफेक्ट होते हैं, तो मान लीजिए अगर 5 मिलियन से भी कम काउंट आ रहा है में, ऐसे पुरुषों में हम इक्सी पद्धति मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के द्वारा संतान प्राप्ति आराम से करवा सकते हैं। इसी में क्या करते हैं, हम अंडकोश का अंडा लेते हैं, एक पाइप में एक शुक्राणु भरते हैं। वैसे तो मिलियंस में शुक्राणु रहते हैं, मतलब करोड़ों में शुक्राणु रहते हैं, लेकिन हमें सिर्फ चाहिए एक। तो वो एक या दो शुक्राणु जो अच्छे रहते हैं वो एक या दो अंडे में डालकर गर्भ तैयार करके, भ्रूण तैयार करके उसकी जो धर्मपत्नी है उनके बच्चेदानी में हम डाल देते हैं। लेकिन अब यह देखा गया है कि पुरुष का यह कहना रहता या यह देखा जाता है कि ऐसे काफी पुरुष रहते हैं जिसमें एजोस्पर्मिक रहते हैं, मतलब शुक्राणु बिल्कुल निल पाए जाते हैं, तो ऐसे पुरुषों में हम टेस्टिकुलर बायोप्सी करते हैं। टेस्टिकुलर बायोप्सी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए उसकी टेस्टीज रहते हैं, उस टेस्टीज में एक छोटा सा छेद करके वो शुक्राणु निकाल देते हैं। वो शुक्राणु जब निकाल देते हैं तब उस महिला के अंडकोश के अंडे में डाल देते हैं और एक गर्भ तैयार कर लेते हैं। अगर ये सारे प्रोसीजर्स फेल हो जाते हैं, स्पर्म प्रोग्राम पे चलना पड़ता है, क्योंकि
अगर डिफेक्टिव शुक्राणु है या शुक्राणु बिल्कुल भी किसी इंसान में बन ही नहीं रहे हैं, तो बेटर है कि हम शुक्राणु डोनर का लेकर और उसे संतान प्राप्ति करवा सके। मेरा यही कहना है कि आप लोग, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने आंसर किया था कि अगर संबंध रखने के बावजूद अगर एक साल हो जाता है किसी भी पुरुष और महिला को शादी करने के बाद, संबंध रखने के बाद, और संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो हमारे लिए इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशंस करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी पता चल जाता है कि हाँ हमारे शुक्राणु कम हो रहे हैं। अगर हम बहुत लेट उजागर होते हैं, हाँ भाई अब मेरे शुक्राणु कम हो गए होते हैं, तो डॉक्टर के लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आजकल फैसिलिटीज ऐसी अवेलेबल हो गई है कि कम शुक्राणु के साथ में भी हम उसको उसी के ही शुक्राणु के साथ संतान प्राप्ति आराम से करवा सकते हैं। डॉक्टर अंशुल, हम आपसे पीसीओडी के बारे में जानना चाहेंगे कि पीसीओडी फर्टिलिटी को किस तरह से इफेक्ट करती है। पीसीओडी आजकल ये बहुत आम समस्या बनती जा रही है। पहले ये देखा जाता था कि 35 साल की से ज्यादा उम्र की जो महिलाएं हैं वो इससे प्रभावित होती, लेकिन अब कम उम्र की महिलाएं भी इससे प्रभावित होती जा रही है। नॉर्मली क्या होता है, हर महामारी के दौरान एक अंडा परिपक्व होता है, मैच्योर होता है और रप्चर होकर फैलोपियन ट्यूब में आता है, अगर उसका फर्टिलाइजेशन हो उसी समय शुक्राणु। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉली यानी कि एक से ज्यादा, सिस्ट यानी कि गठन, ओवरी यानी कि अंडाशय, यानी कि बहुत सारे अंडे एक साथ बड़े होने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी एग इस परिपक्व मैच्योर ओवरी साइज तक नहीं पहुंच पाता और छोटी छोटी गांठों में यानी कि छोटी छोटी सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, कोई भी एक मैच्योर नहीं हो रहा पूर्ण रूप से और फैलोपियन ट्यूब में रप्चर होके नहीं आ रहा। इसकी वजह से क्या होगा कि शुक्राणुओं को अंडा नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और इनफर्टिलिटी यानी कि निसंतानता होगी। साथ ही साथ उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है जिस वजह से जो महिला है उसकी महामारी अनियमित हो जाती है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। कभी कभी इस बीमारी के लक्षण बाहरी तौर पर भी नजर आते हैं, जैसे कि पिंपल्स होना, शरीर पे चेहरे पे अनवांछित बालों का आना, वजन बढ़ना काफी ज्यादा। लॉन्ग टर्म अगर पीसीओडी की बीमारी रहे तो पेशेंट को डायबिटीज या हार्ट के भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। तभी तो जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता जा रहा है आजकल, जंक फूड, लो प्रोटीन डाइट जो है एंड स्मोकिंग, एल्कोहल, ये सब जो चीजें हैं ये भी पीसीओडी में एक मेन पार्ट अपना रोल प्ले करते हैं। अगर पीसीओडी के पेशेंट्स का अगर उसमें ये डिजीज है लेकिन हमें इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अपने को करना पड़ता है, इनफर्टिलिटी इसका एक सिम्टम है, तो इसके इलाज के लिए पेशेंट का पूरा कारण अपना पूरा जांच रहती है, हार्मोन एनालिसिस, ओवुलेशन, उसके साथ में फिर टाइमली इंटरकोर्स उन्हें बताया जाता है, किस हद तक अगर उन्हें एक IUI यानी कि इंट्रा यूट्रा इंसेमिनेशन जैसे कि आपको डॉक्टर मयूरी ने बताया वो अपन कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर उनका 1 से 2 साल तक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट लेने के बाद में भी अगर वो अपनी समस्या से इलाज नहीं पा रहे हैं तो उनको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि टेस्टिव बेबी की तरफ जाना चाहिए, जिसके परिणाम काफी अच्छे हैं और पीसीओडी के पेशेंट भी IVF के माध्यम से अच्छे संतान प्राप्ति का सुख ले सकते हैं। डॉक्टर अंशुल, कई कपल ऐसे हैं जो IVF ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं लेकिन उनके मन में IVF की सक्सेस रेट को लेकर काफी डाउट रहता है, तो आप बताएं कि कितनी होती है IVF की सक्सेस रेट। देखिए कुछ साल पहले की भी अगर बात करूं 1970s IVF की सक्सेस रेट काफी कम थी, इट वाज जस्ट अराउंड 20-25%। कुछ समय के साथ साथ कई एडवांस टेक्निक्स आई है, बेटर एडवांसमेंट हुआ है टेक्नोलॉजीज में, सुपीरियर इंक्यूबेटर्स, मीडियाज काफी अपने पास डेवलप्ड है, डॉक्टर्स की जो स्किल है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, उनका भी काफी एडवांसमेंट हो चुका है, नई नई तकनीकें जैसे कि ब्लास्टोसिस्ट, लेजर असिस्टिंग हैचिंग, क्लोज वर्किंग चैम्बर्स, ये सब काफी कुछ डेवलप हो चुके हैं।
स्टार्टिंग में क्या किया जाता था कि आईवीएफ साइकिल का जो प्रोसीजर जिसमें हम एग बना रहे हैं उसी में हम ट्रांसफर कर रहे हैं एम्ब्रियो को, नाउ इट इज सेगमेंटेड आईवीएफ साइकिल की जाती है, यानी कि आप फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर से फ्रीजिंग एम्ब्रियो ट्रांसफर की तरफ आप मूव कर रहे हैं तो बेटर रिजल्ट आते हैं। दूसरी चीज की ब्लास्टोसिस कल्चर जिसमें हम डेड सेल की बजाय फिर तक ग्रो करते हैं और फिर ट्रांसफर करते हैं, उससे भी सक्सेस रेट काफी 20-25% इंक्रीज होता है। तीसरी मेन चीज है लेजर असिस्टेड हैचिंग, जिसमें जो एम्ब्रियो बनता है आईवीएफ के दौरान उसके चारों तरफ की जो लेयर रहती है जो जूना पैलोसिट है जो सब कोट रहता है उसको लेजर के माध्यम से थोड़ा तोड़ दिया जाता है फिर ट्रांसफर करते हैं, इससे भी प्रेगनेंसी के जो चांसेस रहते हैं बढ़ जाते हैं। एक नई टेक्निक है जिसे बोला जाता है क्लोज वर्किंग चैम्बर्स। देखिए भगवान ने जो मेन भ्रूण बनाने की जो जगह बनाई है जो टेम्परेचर सुटेबल टेम्परेचर मोस्ट सुटेबल जिसे बोल सकते हैं वो है औरत का शरीर, लेकिन आईवीएफ में ये सब काम हम शरीर के बाहर कर रहे हैं तो जो भी टेम्प को कम करने के लिए उन सब जेनेटिक चेंजेस को हार्मफुल इफेक्ट्स को कम करने के लिए क्लोज वर्किंग चैम्बर्स बनाए गए हैं जिसमें टेम्परेचर ऑक्सीजन CO2 कॉन्सेंट्रेशन सब कुछ वैसे ही रहती है जैसे कि औरत के शरीर में। तो अगर इन सब एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ में अगर आईवीएफ किया जाए तो सक्सेस रेट नाउ इज अराउंड 70%। इट ऑल्सो डिपेंड कि पेशेंट का एम्ब्रियो किस तरीके का बनता है, उसका ओसाइट क्वालिटी, उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, साथ में लास्ट अल्टीमेटली आप सेंटर किस तरह का चयन करते हैं, टेक्निक्स होनी चाहिए आपके एंड्रोलॉजिस्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर सब एक्सपीरियंस होने चाहिए आईवीएफ। जी डॉक्टर मयूरी, हमारे साथ काफी लाइव दर्शक जुड़ गए हैं, उनमें से एक रमेश बरोड़ वो पूछना चाह रहे हैं मैम कि ICSI और IVF में क्या फर्क है। मैं आई कांट हियर, क्या बोला आपने? हम हमारे साथ एक जो लाइव व्यूअर है रमेश वो ये पूछना चाह रहे हैं मैम कि ICSI और IVF में क्या फर्क है। ओके ओके, देखिए आईवीएफ और ICSI में यह फर्क है। आईवीएफ मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी, आईवीएफ का ही एक बड़ा प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं ICSI पद्धति। आईवीएफ एक IUI के ऊपर वाली प्रक्रिया है जो पहले जमाने में यूज की जाती थी। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या करते थे, एक डिश लेते थे उसमें खूब सारे शुक्राणु कोश का अंडा छोड़ देते हैं। अब उस एक अंडकोश के अंडे में जो भी शुक्राणु अच्छा रहता था वो उसकी लेयर को क्रैक करके अंदर चला जाता था, लेकिन यह देखा जाता था कि इसमें सिलेक्टिव शुक्राणु ही जा पाते थे। जो शुक्राणु की मान लीजिए अगर गतिशीलता कम है या शुक्राणु डिफेक्टिव है या मॉर्फोलॉजी कम है, ऐसा कोई भी शुक्राणु उस अंडकोश का अंडे को अंदर जा ही नहीं पाता था। जैसे मैंने आपको बताया गर्म प्रदेश के लोगों में शुक्राणु की मात्रा जैसे कम पाई जाती है, जो काउंट रहता है वो कम रहता है, मॉर्फोलॉजी अच्छी रहती है, गतिशीलता अच्छी रहती है, लेकिन जो काउंट रहता है वो कम रहता है, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ शुक्राणु होते हैं। ऐसे लोगों में ICSI पद्धति करना ज्यादा बेटर समझा, क्योंकि ICSI पद्धति से हमारे ज्यादा बेटर रिजल्ट आने लगे और ICSI पद्धति के द्वारा वो अपने ही शुक्राणु के साथ पिता बनना संभव हो गया। देखिए हर किसी का एक इमोशन रहता है उस चीज से जुड़ा हुआ कि वो अपने ही शुक्राणु के साथ आगे बढ़े, तो हमने इसीलिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ये सोच से ही लेकर आया कि वो एक ही अंडा ले और एक ही शुक्राणु ले ताकि कम अंडे और कम शुक्राणु में भी संतान प्राप्त। तो अगर किसी का शुक्राणु बहुत कम है, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है, मोटिलिटी अच्छी नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम आईवीएफ नहीं करके हम ICSI पद्धति अपनाते हैं जो ज्यादा सक्सेसफुल है। जी डॉक्टर अंशुर, फीमेल्स में कंसीव करने के लिए ट्यूब का क्या रोल होता है? नॉर्मली गर्भाशय के दोनों तरफ दो ट्यूब रहती है जिन्हें बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब। इनके मेन तीन प्रमुख तीन काम होते हैं।
फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि ओवरी से जब एक मैच्योर होके रप्चर होके ट्यूब में आएगा, स्पर्म और एग का मिलन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, भ्रूण बनता है। ये भ्रूण स्टार्टिंग के शुरुआत के 2-3 दिनों तक इसी ट्यूब के अंदर फलता है, यानी कि उसके शुरुआत के जो 2-3 दिनों का पोषण जो रहता है, न्यूट्रिशन जो रहता है, वो ये ट्यूब देती है। तीसरा रहता है इसका मूवमेंट यानी कि माइग्रेशन, ये एम्ब्रियो ट्यूब से जर्मेट्रियम पे इम्प्लांट है। तो 3 मेन काम है, फर्टिलाइजेशन, न्यूट्रिशन स्टार्टिंग के 2-3 दिनों का, तीसरा माइग्रेशन। अगर जैसे कि अगर किसी में आपने सुना होगा ट्यूब ब्लॉक है, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, होगा ही नहीं फर्टिलाइजेशन, अंडे शुक्राणुओं का मिलन नहीं होगा। तो ये काम हम टेस्ट बेबी में बाहर करते हैं। कुछ कुछ आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि हमने लैप्रोस्कोपिक के माध्यम से ट्यूब खुलवा ली है, लेकिन फिर भी हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो ट्यूब एक सिर्फ एक पाइप नहीं है, एक स्ट्रक्चर अलग रहता है कि भाई एक साइड से खुल गया तो और काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ट्यूब के अंदर छोटे छोटे सीलिया है, जो जो एम्ब्रियो जो बनता है उसको पोषण और उनको मूवमेंट करके यूट्रस तक पहुंचाना। तो जो लेप्रोस्कोपिक की तरीके से ट्यूबल ब्लॉक को खोल देना, वो सक्सेसफुल काफी कम रहता है, हार्डली 20-30% केसेस में ही वो सक्सेसफुल होता है, और हो भी गया तो 18-20% केसेस उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी की संभावना रहती है, यानी कि जो भ्रूण बनता है वही ट्यूब में ही रुक जाता है और वो मूवमेंट होके यूट्रस में नहीं जाता। शुरुआत के ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 महीना वो ग्रो करेगा और उसके बाद में रप्चर हो जाता है, जो चीज महिला के लिए भी इमरजेंसी सिचुएशन रहती है और डॉक्टर्स के लिए भी। तो इसीलिए मैं सलाह दूंगी कि जो भी पेशेंट्स ट्यूबल ब्लॉक से शिकार है, उनको दूसरे ये लैप्रोस्कोपी की तरफ जाने में टाइम बेटर ऑप्शन आज साइंस के पास अवेलेबल है, जैसे कि टेस्ट बेबी, आपको उनकी तरफ जाना चाहिए, जिसमें इस वेरी सेफ, वेरी पेशेंट फ्रेंडली और रिजल्ट्स भी काफी अच्छे मिलते हैं। तो ट्यूबल ब्लॉकेज के पेशेंट को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेस्ट बेबी आईवीएफ के माध्यम से वो भी बिना ऑपरेशन, बिना किसी रिस्क के वो अच्छे से संतान प्राप्ति का सुख ले सकते हैं। जी जी, मतलब नेचुरली कंसीव करने के लिए फैलोपियन ट्यूब्स का अच्छा होना जरूरी है, लेकिन अब बन ट्यूब्स में भी आईवीएफ से संतान सुख मिल सकता है। डॉक्टर मयूरी, जो महिलाएं नसबंदी करवा लेती हैं और वो बाद में संतान प्राप्ति करना चाहें, तो क्या उनके लिए कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि देखिए ऐसे 2-3 सिनेरियोज में आपको बताऊंगी, जैसे कोई महिला की शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए और किसी कारणवश दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई, यह एक सिनेरियो है, और उसे तीसरा बच्चा करना है। कि जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि 2 बच्चे पहली शादी से हुए हैं, नसबंदी का ऑपरेशन भी हो गया है, लेकिन किसी कारणवश डिवोर्स हो गया और उसने किसी दूसरी शादी की और उससे उनको बच्चा चाहिए, तो ऐसे केसेस में महिला को ये लगता है कि अब तो मेरा ट्यूबल लाइगेशन मतलब नसबंदी वाला ऑपरेशन हो चुका है, तो अब इस ट्यूब को क्या हमें खुलवाना चाहिए या हमें कोई और प्रक्रिया का साधन लेके आगे बढ़ना चाहिए। देखिए दर्शकों, आज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ट्यूबल लाइगेशन मतलब नसबंदी का ऑपरेशन होता क्या है। नसबंदी के ऑपरेशन में मान लीजिए एक ट्यूब रहती है, उसको बीच में से काटा जाता है और वो ट्यूब को इसी तरीके से छोड़ दिया जाता है। ट्यूब का क्या मतलब रहता है? ट्यूब का मतलब रहता है कि वो दोनों काम क्या रहता है ट्यूब का, कि वो अंडकोश के अंडे और शुक्राणु को मिलन करवाता है। अब अगर ये ट्यूब ही कटी रहेगी या बीच में से बंद रहेगी तो ये दोनों का मिलन हो नहीं पाएगा और संतान, पहले बहुत पहले की बातें बता रही हूं कि जब आईवीएफ बहुत कॉमनली नहीं यूज होता था, तो काफी सारे डॉक्टर सजेस्ट करते थे कि आप इस ट्यूब को फिर से जोड़ सकते हैं। देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो जुड़ तो जाएगा, लेकिन कोई भी चीज अगर टूट जाती है और अगर उसको जोड़ा जाता है तो वो कभी भी पहले समान काम नहीं करती। ट्यूब में कुछ सेल्स रहते हैं, कुछ ऐसे सीलियाज रहते हैं जो झाड़ू के समान काम करते हैं। वो क्या करते हैं, पुश करते हैं अंडोत्र तरफ से शुक्राणु को ताकि दोनों का मिलन हो सके, लेकिन जब उस चीज को काटा जाता है और फिर से मिलाने की कोशिश करते हैं तो वो सीलियाज डेड हो जाते हैं, इसीलिए वो ठीक से काम नहीं करते। इसी को ही बाईपास करते हुए एक बहुत अच्छी प्रक्रिया जो आविष्कार हुई थी वो है टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर आईवीएफ।
इसमें ट्यूब कटी है, जली है, फटी है, ब्लॉकेज है, कुछ भी है, आप सीधा अंडकोश के अंडे को बाहर निकालें, शुक्राणु को बाहर लें, गर्भ तैयार करके सीधा उसकी कोख में डाल दें, ट्यूब को रिवर्सल करें, रिकैनलाइजेशन का प्रोसीजर करें, मतलब जोड़ने की प्रक्रिया करें, तो इसमें क्या होगा कि आपका वक्त जायज होगा, मतलब आपकी उम्र के साथ आपका अंडकोश का अंडा खत्म होने लगेगा, शुक्राणु की गतिशीलता कम होने लगेगी और बच्चेदानी भी एक वक्त के बाद जवाब देने लगती है, गर्भाशय एक वक्त के बाद सूजन आने लगती है। तो अगर आपको अपने ही अंडों के साथ और अपने ही शुक्राणु के साथ माता पिता बनना है और आपके कोई भी नसबंदी का ऑपरेशन हो चुका है, तो कृपया करके ट्यूब खोलने की प्रक्रिया के पीछे ना भागें और एक इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट को दिखा के टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया का साधन लेके संतान प्राप्ति आराम से कर लीजिए, ताकि और टाइम ना वेस्ट होते हुए आप संतान प्राप्ति विद इन द टाइम आप कर सकें। जी डॉक्टर मयूरी, हमारे साथ काफी लाइव ऑडियंस जुड़ चुकी है, इसमें से एक है नीलम शॉ, वो पूछना चाह रही है मैम कि लेट्रोजोल एंड एचसीजी इंजेक्शन लेने के बाद भी वे कंसीव नहीं कर पा रही हैं। उनका सवाल है कि मैम मेरी एज 31 है और उनकी शादी को 7 साल हो गए हैं, क्या आईवीएफ उनके लिए सूटेबल है और क्या वो आईवीएफ से सक्सेस पा सकती हैं? नूतन करेक्ट मैम, नीलम 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 जी, देखिए जब भी कोई महिला पैदा होती है, चाहे आप चाहे मैं चाहे कोई भी महिला, चाहे डॉक्टर अंशुल, कोई भी महिला अगर जो भी पैदा होती है, तब उसको सिर्फ 400 अंडे मिलते हैं। हर महावारी के साथ उसका एक अंडा यूज हो जाता है। तो मान लीजिए उसकी महावारी, आपकी महावारी शुरू हुई होगी 14 साल या 13 साल, जल्दी महावारी शुरू होती है उतना जल्दी उसका अंडकोश का अंडा खत्म होने की कगार पे रहता है। अब काफी सारे लोकल गायनेकोलॉजिस्ट लेट्रोज या एचसीजी इंजेक्शन के द्वारा अंडा फुटवाना, मतलब ओव्यूलेशन करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी बार ये लेट्रोज का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट यह रहता है कि अगर आप काफी दिनों तक लेट्रोज लेते हैं तो ओवरी रेजिस्टेंट हो जाती है, मतलब अंडकोश का अंडा रिस्पॉन्ड करना खत्म हो जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमें सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स मिलते हैं, तो ये वन टाइम से डिटोरिएट होते हैं और 35 साल की उम्र में ये 2 टाइम से डिटोरिएट होना चालू हो जाते हैं। तो नीलम जी, जैसे आपकी उम्र है 31 ईयर्स, एंड इस 31 ईयर्स में डेफिनेटली आपकी जो एग की क्वालिटी और क्वांटिटी, मतलब क्षमता और नंबर, अगर ये चीजें कम हो चुकी हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए सिर्फ एक ही प्रक्रिया बचती है, वो है टेस्ट ट्यूब बेबी। क्योंकि अगर आप जितना लेट करेंगे उतना आपकी जो अंडकोश की नंबर रहेगा वो घटते जाएगा और संतान प्राप्ति और डिफिकल्ट हो जाएगी। तो आप प्लीज लेट्रोज और एचसीजी इंजेक्शंस के ट्रायल के बाद अगर संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, बिल्कुल आप स्विच करिए आईवीएफ के लिए। एंड मैं चाहूंगी डेफिनेटली आप ऑल द वेरी बेस्ट कि आप प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव करके हमें खुशखबरी बताएं। जी जी डॉक्टर मयूरी, काफी व्यूअर्स हैं जैसे मुकेश जी हैं, रमेश परोड़ हैं, मैम ये लोग जानना चाह रहे हैं कि आईवीएफ में टोटल कॉस्ट या जो खर्चा है वो अगर आप इनको थोड़ा समझा पाए। देखिए मुकेश जी, मैंने इसके पहले, आप शायद लाइव थे या नहीं थे मुझे नहीं आइडिया है, बट इसके पहले मैंने पूरी प्रक्रिया ही चीज समझाई है कि पहले के जमाने में बहुत महंगी ये प्रक्रिया रहती थी, बट अब 1000 रुपीज आईवीएफ की फीस रहती है और 70 to 80 to maximum 90,000 के अंतराल में इंजेक्शन का खर्चा रहता है। इंजेक्शन हॉर्मोनल इंजेक्शन रहते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब महावारी का दूसरा दिन रहता है तब से ये इंजेक्शन महिला को रोज एक इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन रहती है, बिल्कुल भी पेनफुल इंजेक्शन नहीं रहती है, चीटी काटने के समान जैसे पेट पे लगता है वैसी ये इंजेक्शन से 8,000 रुपए की रहती है। तो ये लगभग 10 दिन तक इंजेक्शन लगती है, वो अंडकोश के अंडे को एक साइज तक लेके जाते हैं और यही एक अंडकोश के अंडे को बाहर निकाल के शुक्राणु लेके गर्भ तैयार करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि आईवीएफ का खर्चा टोटल में कितना आता है, तो यह प्रक्रिया 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में खर्चा खत्म हो जाता है।
मैम काफ़ी व्यूअर्स हैं यहाँ पे जो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको काफ़ी धन्यवाद दे रहे हैं। आपने बहुत ही डिटेल में इन व्यूअर्स की क्वेश्चंस को, इनकी क्वेरीज का जवाब दिया, जिसके लिए मैं आप दोनों को बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी। तो दोस्तों, निसंतानता संबंधी जटिल समस्याओं का आज आधुनिक तकनीकों से उपचार संभव है। फेसबुक लाइव टॉक शो में फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स ने आपको बताया किस तरह से IVF टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक निसंतान दंपतियों के लिए बेहद कारगर साबित हुई है। आप निसंतानता संबंधी किसी तरह की समस्या के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल करें या मैसेज कर सकते हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी आपके सवाल एक्सपर्ट डॉक्टर्स तक पहुंचाए जाएंगे और डॉक्टर्स आपको उसके लिए उचित परामर्श देंगे। डॉक्टर मयूरी और डॉक्टर अंशुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बेहद गंभीर विषय पर हमसे बात की। और आशा है ये जो इनफर्टाइल कपल्स हैं जिन्होंने आपका ये लाइव शो सुना, और वो सभी ऑडियंस जिन्होंने आपसे प्रश्न किया और जिनके प्रश्नों का आपने इतने अच्छे से जवाब दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद एंड सभी ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you.